हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर सेकंड दैट इज़ इम्परफेक्ट मार्केट, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम से अगर तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक बात और दोस्तों कि इसके पहले मैंने चैप्टर वन दैट इज़ योर मार्केट स्ट्रक्चर एंड इट्स फॉर्म, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो पहले जाके उसको देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने परफेक्ट मार्केट के बारे में डिस्कशन किया है और इसमें मैं इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर सेकंड दैट इज़ इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वो आता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता क्या है या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? ये एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जहाँ की बहुत सारे फर्म्स ऑपरेट करते हैं और कॉम्पीट करते हैं एक ही इंडस्ट्री में, लेकिन हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होता है। और ये जो डिफरेंशिएशन है ये कुछ फैक्टर्स पर बेस्ड हो सकते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन का जो बेसिस है वो क्या हो सकता है? ब्रांडिंग हो सकता है, मतलब ब्रांडिंग के आधार पर अलग अलग, क्वालिटी के आधार पर अलग अलग प्रोडक्ट, डिज़ाइन के बेसिस पर अलग अलग प्रोडक्ट, जिससे कि हर एक फर्म का कुछ हद तक वस्तु की कीमत पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है। कुछ हद तक वस्तु की कीमत पर या प्रोडक्ट के प्राइस पर कुछ हद तक, कुछ डिग्री तक कंट्रोल होता है। किसका? फर्म का। किसके ऊपर? वस्तु की कीमत के ऊपर, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। अब बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें कि आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि जो फर्म है यानी कि जो संस्था है वो ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, एक संस्था, एक व्यक्तिगत संस्था एक ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है जो कि अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, जो कि क्या करता है, कंज्यूमर को परसीव करता है यूनिक समझने में, ठीक है, जो कि ये करता है कि कंज्यूमर उसको क्या करे, यूनिक समझे और अच्छा समझे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। मैनी सेलर्स, यहाँ पे कुछ सेलर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। नाम से लगता होगा कि मोनोपोलिस्टिक है, जिसका मतलब सिंगल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में इसका मोनोपोलिस्टिक में मोनोपोली लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिंगल सेलर है, ठीक है। यहाँ पे आपके सेलर बहुत सारे होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेलर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और हर एक फॉर्म का या हर एक के साथ कुछ मार्केट शेयर होते हैं। कहने का मतलब है स्मॉल मार्केट शेयर ही होते हैं, बट कुछ हद तक होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कुछ लेवल ऑफ कंपटीशन को। कहने का मतलब है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट, एक दूसरे से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, बट ऑल द प्रोडक्ट्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड, या फिर सारे के सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं, और यही कारण है कि इनका कुछ हद तक प्राइस कंट्रोल होता है, और यही रीज़न है कि आपका यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसा मत लिख किया जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। वहाँ पे कंपटीशन होता है वो अलग बात है कि प्राइस पे कंट्रोल बहुत कम हद तक होता है हर एक फर्म का, वह भी नहीं होता अगर क्वालिटी और ब्रांड और जो भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर वहाँ नहीं होता तो अभी कंपटीशन, वो प्राइस कंट्रोल भी हल्का सा भी नहीं रहता। बट यही कारण है कि प्राइस कंट्रोल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सब प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। अब बात करते हैं इजी एंट्री एंड एग्जिट। आसानी से आ सकते हो, आसानी से जा सकते हो, दोनों दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आओ जाओ। फर्म कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट बैरियर, बिना किसी सिग्निफिकेंट बैरियर के फॉर्म क्या कर सकता है, मार्केट में एंटर कर सकता है, मार्केट को एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो नए फॉर्म्स हैं वो इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, अगर उनका ऐसा मानना है कि उनका प्रोडक्ट बाकी सारे फॉर्म्स के प्रोडक्ट से अलग है, थोड़ा हटके है। अब बात करते हैं इसके चौथे फीचर के बारे में, चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो कि है आपका नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। इसमें क्या कहा गया है कि जो फॉर्म्स हैं इसके पास केवल एकमात्र तरीका ये नहीं है कि वो क्या करे, कीमत को कम करे और फिर सेल्स को बढ़ाए, यानी कि सेल्स को बढ़ाने का केवल एकमात्र इसके पास तरीका नहीं है, और वो तरीका जो आप सोचते हो कि कीमत को कम कर देना, वही एकमात्र तरीका नहीं होता है।
बल्कि इनके पास और तरीके मौजूद रहते हैं, प्रचार प्रसार के, मार्केटिंग के, कंज्यूमर सर्विसेज के। लिमिटेड प्राइसिंग पावर, जब भी फर्म्स वाइल फर्म्स हैव सम कंट्रोल, जबकि आप जानते हो कि जो फर्म है इसका कुछ कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर ऑफ देयर प्रोडक्ट, किसके वजह से, डिफरेंशिएशन के वजह से, और ये जो कंट्रोल है ये लिमिटेड रहता है अगर कंपैरिजन किया जाए मोनोपोली की। तो ये प्राइस को लेकर सेंसिटिव होते हैं वो प्राइस चेंजेस जो कि कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म ए का कॉम्पिटिटर फर्म बी और फर्म बी का कॉम्पिटिटर फर्म ए। अब फर्म ए क्या कर रहा है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का उसमें चेंजेस ला रहा है, बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, तो इससे फर्म बी पर क्या होगा, अफेक्ट होगा, फर्म के बी के प्रोडक्ट पर अफेक्ट होगा, और फर्म बी जो है अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर देगा, चेंज करेगा। तो जो इस तरह के मार्केट होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। होता क्या है कि कंज्यूमर के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है प्रोडक्ट के वैरायटी को लेकर। क्यों? क्योंकि सारे जो फर्म्स हैं वो अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं या मार्केट में उतार रहे हैं, तो इस वजह से जो कंज्यूमर है इनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता है प्रोडक्ट के वैरायटी को लेकर जो कि स्पेसिफिक क्वालिटी का अवेलेबल है, ठीक है, जिससे कि उनका जो परचेजिंग पावर है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगला फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का या मोनोपोलिस्टिक मार्केट का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका शॉर्ट रन प्रॉफिट। होता क्या है कि जो फर्म है इसका कुछ हद तक प्राइस के ऊपर कंट्रोल रहता है जिस वजह से, और दूसरा कारण ये है कि अगर वो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक अपने प्रोडक्ट को बाकियों फर्म या बाकी फर्म्स के प्रोडक्ट से अलग दिखलाने में अगर सफल हो जाता है तो फर्म क्या कर सकता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा सकता है अपने कस्टमर से और कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर सकता है। हाउएवर, यद्यपि ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये नए एंट्रेंट्स को या नए कॉम्पिटिटर्स को एंटर करा सकते हैं, किसमें, फॉर्म में। एंट्रेंट्स क्या है, वो नए फॉर्म्स जो कि बाहर से ये देखते हुए कि भाई इस इंडस्ट्री में तो बड़ा फ़ायदा है अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, मीन्स प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में हर एक फॉर्म का कुछ हद तक नियंत्रण होता है कीमत के ऊपर, बट ये नियंत्रण सीमित होता है इन कंपैरिजन टू मोनोपोली। यहाँ पे प्राइस डिटरमिनेशन कुछ इस प्रकार से काम करता है। पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके फॉर्म्स होते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जो कि बाकी फॉर्म्स के प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होते हैं या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग होता है स्लाइटली। दिस डिफरेंस येस, लेकिन ये जो डिफरेंसेज हैं, अच्छा यहाँ पे मैं स्लाइटली क्यों बोल रहा हूँ, स्लाइटली बोलने का मतलब है हल्का सा, और हल्का सा क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है, हल्का सा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे ये सभी के सभी एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। तो कोई स्टील बना रहा है तो कोई ईटा नहीं बनाएगा, ठीक है, या फिर कोई स्टील बना रहा है तो कोई पकौड़ी नहीं छानेगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंडस्ट्री अलग अलग हैं भाई आपके, दोनों इंडस्ट्री अलग अलग हैं। तो कोई स्टील बना रहा है या फिर कोई स्टील का काम कर रहा है तो दूसरा भी स्टील ही का काम करेगा, ठीक है, ये नहीं कि एक स्टील का काम कर रहा है तो कोई दूसरा अलग काम करे। तो यही कारण है कि स्लाइटली डिफरेंट होते हैं पूरी तरीके से, या फिर ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, हल्का सा डिफरेंट होते हैं। दिस डिफरेंसेस, और ये जो डिफरेंसेस हैं ये ब्रांडिंग के टर्म्स में हो सकता है, क्वालिटी के टर्म्स में हो सकता है, डिज़ाइन के टर्म्स में हो सकता है। ये जो डिफरेंशिएशन है ये हर एक फर्म को एक मार्केट पावर का डिग्री दे देता है डिमांड कर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के वजह से हर एक फर्म जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फेस करता है डिमांड कर्व का। डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपको पता डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बताता है, कीमत को बढ़ाओगे कम सेल्स होगा, कीमत को घटाओगे ज़्यादा सेल्स होगा। और ऐसा यहाँ पे क्यों है, ऐसा यहाँ पे इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और विकल्प ग्राहक के पास मौजूद है। मार्कअप प्राइसिंग कह रहा है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स होती हैं, संस्थाएं होती हैं, ये आमतौर पर मार्कअप प्राइसिंग का यूज़ करते हैं अपने कीमत को तय करने के लिए। ये कीमत को तय करते हैं मार्कअप ऐड करके, अपने प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ मार्कअप ऐड कर देते हैं। और जो मार्कअप का साइज़ है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि फर्म का परसीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसका असेसमेंट कंज्यूमर के विलिंगनेस को लेकर, उसका ये जाँच पड़ताल कि भाई कंज्यूमर कितना पे कर सकता है, तो ये सब आधार होते हैं जिनके आधार पर वो मार्कअप के साइज को तय करता है।
अब मान लेते हैं कि वो एक ऐसे मार्केट में डील कर रहा है जहाँ पे कि कंज्यूमर मिडिल क्लास है या फिर उतना एफर्ड नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्कअप का साइज ये छोटा रखेगा। बट हाई इनकम ग्रुप के साथ अगर वो डील कर रहा है या हाई इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्कअप प्राइस का जो साइज है वो ज़्यादा रखेगा। अब बात करते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन के बारे में। फॉर्म्स ऑल्सो एंगेज इन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। फॉर्म नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में एंगेज रहता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, ये सब आपके नॉन प्राइसिंग क्या है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है, जिससे टू मेक देयर प्रोडक्ट स्टैंड आउट, अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे कार्य फॉर्म्स करता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन करता है, जिससे कि अधिक से अधिक कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। दिस कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन, और ये जो है क्या कर सकता है, कंज्यूमर के परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके सोच को बदल सकता है। एंड विलिंगनेस टू पे हायर प्राइसेस, और उनकी जो क्षमता है हायर प्राइसेस को पे करने की, उसको भी क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कि एक कहावत कहा जाता है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और एक बार कब रोता है, जब वो कीमत पे करता है या फिर जब वो प्राइस पे करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है मेरा कि ये कौन इन्फ्लुएंस किया, ये एडवर्टाइजिंग ने ही इस ये सोच लोगों में डाली, एडवर्टाइजमेंट में ही नहीं ये सोच लोगों में डाली कि भाई आप अगर सस्ता चीज़ लोगे तो आप बार बार भुगतोगे, लेकिन आप एक चीज़ महंगा लोगे तो बस एक बार भुगतोगे, या फिर एक बार के आपको नुकसान क्या होगा, मतलब एक बार आपको कष्ट होगा, और वो है जब आप उसका कीमत करोगे, पे करोगे, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो ये परसेप्शन किसने डाला, ये परसेप्शन मार्केट ने या एडवर्टाइजिंग ने डाला लोगों में या ग्राहकों में। अगला है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ठीक है, जब भी फर्म्स, जैसे कि आप जानते ही हो कि इसका कीमत के ऊपर नियंत्रण होता है, तो दे आर स्टिल इन्फ्लुएंस बाय कॉम्पिटिटिव प्रेशर, लेकिन तब भी वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई फर्म अपने कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, कस्टमर जो है वो दूसरे पर स्विच कर जाएगा। जैसे कि मैंने स्टील इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं जिंदल स्टील है, पैंथर स्टील है, पैंथर स्टील ने अपने स्टील का दाम बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, जिंदल स्टील पर स्विच कर जाएंगे और पैंथर स्टील को खरीदना बंद कर देंगे। तो इफ़ फॉर्म रेजेज इट्स प्राइस टू मच, तो कस्टमर में स्विच टू सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर। दोनों स्टील है तो ऑब्वियस बात है, जब पैंथर ज़्यादा ले रहा है और जिंदल कम ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है मैं पैंथर के पास क्यों जाऊँ, मैं जिंदल के पास जाऊँ। शॉर्ट रन वर्सेज लॉन्ग रन, कह रहा है कि शॉर्ट रन में फॉर्म्स में बी एबल टू अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। फॉर्म्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाने में सक्षम होता है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन, अगर उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि लघु काल में, हिंदी में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटे समय में अगर फॉर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाता है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो इस बात में या जब वो इस कार्य में सक्सेसफुल हो जाएगा कि उसका प्रोडक्ट बाकी फॉर्म्स के प्रोडक्ट से अलग है, तो वो शॉर्ट रन में क्या कमा सकता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। हाउएवर ओवर टाइम द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स और द एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वन कैन इरोड दिस प्रॉफिट। कह रहा है कि नए फॉर्म्स का एंट्री या नए फॉर्म्स का आना या फिर एग्जिस्टिंग वंस का, यानी कि जो फॉर्म्स पहले से हैं उनका एडजस्टमेंट इनके प्रॉफिट्स को क्या कर सकता है, इरोड कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। एंड ब्रिंग द मार्केट क्लोजर टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और मार्केट को इक्विलिब्रियम की स्टेट तक या इक्विलिब्रियम की स्टेट के पास ला सकता है। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन में तो इकोनॉमिक प्रॉफिट आप कमा लोगे, बट लॉन्ग रन में जो आपके फॉर्म्स हैं वो एंटर करेंगे मार्केट में, और फॉर्म्स जो हैं वो एंटर करने के वजह से या फिर मार्केट में जब एंटर करेंगे तो होगा क्या कि कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाएगा कि आपका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के नज़दीक आ जाएगा। तो ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्राइस डिटरमिनेशन था, यानी कि प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब है हमारा अगला मार्केट, दैट इज ओलिगोपॉली मार्केट। अब ये ओलिगोपॉली मार्केट क्या होता है, ओलिगोपॉली मार्केट या ओलिगोपॉली कंपटीशन, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, स्मॉल नंबर से। जैसे कि मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर था, वैसे यहाँ पे स्मॉल नंबर रहता है। लेकिन एक बात खास यहाँ पे ये है, यहाँ पे छोटे ही संख्या में फॉर्म्स होती हैं, लेकिन ये सारी की सारी फॉर्म्स का जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि संस्थाएँ छोटी, यानी कि संख्या छोटी होती है बट संस्थाएँ बड़ी होती हैं। कहने का मतलब है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फॉर्म्स,
जो कि इंडस्ट्री पर डोमिनेट करती हैं। ये जो फर्म्स हैं इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, क्योंकि इनके जो एक्शन और डिसीजन हैं वो कीमत को प्रभावित करते हैं, प्रोडक्शन के लेवल को प्रभावित करते हैं एंड ओवरऑल जो मार्केट का डायनेमिक है उसको क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं ओलिगोपॉली मार्केट की। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे फॉर्म्स की संख्या कम ही होती है, बट जो भी फॉर्म्स होते हैं वो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं। तो ओलिगोपॉली में जो स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फॉर्म्स होते हैं ये मार्केट पर राज करते हैं, और ये जो फॉर्म्स हैं ये एक सब्सटेंशियल शेयर, एक जरूरी मात्रा में जो शेयर है टोटल इंडस्ट्री का, टोटल इंडस्ट्री के आउटपुट का वो होल्ड करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, द एक्शन ऑफ वन फॉर्म डायरेक्टली इम्पैक्ट द अदर, एक फॉर्म का जो एक्शन है, एक फॉर्म का जो कार्य है वो दूसरे फॉर्म के कार्य को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष रूप से। ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या या जो फॉर्म्स की जो संख्या है वो सीमित होती है, इस वजह से हर एक फॉर्म का जो डिसीजन है, हर एक फॉर्म का जो निर्णय है किसको लेकर, कीमत को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, इसका एक जरूरी प्रभाव पड़ता है कंपटीटर के स्ट्रेटजी पर, उसके षड्यंत्र पे। आगे बात करते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भरता। कह रहा है कि फॉर्म्स इन ओलिगोपॉली, जो संस्थाएं ओलिगोपॉली में होती हैं वो आमतौर पर अपने कॉम्पिटिटर्स का रिएक्शन कंसिडर करती हैं बिफोर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि जरूरी निर्णय लेने से पहले अपने प्रतिस्पर्धाओं का रिएक्शन लेती हैं, कंसीडर करती हैं। दे आर अवेयर दैट, वो इस बात से लेकर अवेयर रहते हैं कि उनके जो चॉइसेस हैं, उनके जो विकल्प हैं विल प्रोवोक रिस्पॉन्सेज, वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सेज को प्रोवोक करेगा फ्रॉम अदर फॉर्म्स, अदर फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज से उनको क्या करेगा, प्रोवोक करेगा एंड दस टेक दिस पोटेंशियल रिएक्शन इनटू अकाउंट, और उसके बाद वो इस पोटेंशियल रिएक्शन को अपने ध्यान में लेंगे। अगला है बैरियर्स टू एंट्री। ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट या ओलिगोपॉली मार्केट जो है इसका सिग्निफिकेंट बैरियर टू एंट्री होता है, मतलब कि बैरियर जो होता है वो एंट्री को लेकर होता है, यानी कि कोई भी आ नहीं सकता, बैरियर उसके लिए होता है। विच कैन इंक्लूड हाई स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि इसमें स्टार्टअप कॉस्ट आपको हाई लगेगा, क्योंकि ओलिगोपॉली आपको मैंने ऑब्वियस सी बात बताया कि भाई छोटे संख्या में, संख्या कम होती है, बट जो भी फॉर्म्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, उनका प्रोडक्शन का साइज या स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत खतरनाक होता है, ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल पर ऑपरेट करते हैं, तो इस वजह से एंट्री में तो बैरियर होता है। दिस बैरियर हेल्प प्रोडक्ट, और इस ये जो बैरियर है इसका एक फ़ायदा होता है उन संस्थाओं के लिए, उन फॉर्म्स के लिए जो कि उस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे नया कंपटीशन या नया, मतलब कि जो कंपटीशन है वो नहीं होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फॉर्म्स में प्रोड्यूस सिमिलर और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हो सकता है कि जो संस्थाएं हैं वो सिमिलर या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये हेल्प कर सकता है फॉर्म्स का स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करने में और डायरेक्ट प्राइस कॉम्पिटिशन को कम करने में। अगला है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, ये इसका अगला फीचर है, ये फीचर आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी था। तो कंपटीशन जो है ओलिगोपॉलिस्टिक फॉर्म्स के बीच में ये प्राइस के बियॉन्ड भी कभी कभी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर्म्स में कॉम्पीट थ्रू एडवर्टाइजिंग, जरूरी नहीं कि केवल प्राइस को कम करके ही कॉम्पीट करें, अदर तरीके भी हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार, जैसे कि इनोवेशन, जैसे कि नवीनीकरण, नया चीज लाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज लाना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, अदर नॉन प्राइस स्ट्रेटजीज अपनाना, ये सारे के सारे नॉन प्राइस कंपटीशन हैं। आगे बात करते हैं कॉल्यूजन एंड कार्टल्स के बारे में, ये क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ओलिगोपॉलिस्टिक जो फॉर्म्स होते हैं में अटेम्प्ट टू कोल्यूड एंड फॉर्म कार्टल्स, ये कभी कभी कोलाइड होते हैं, कोलाइड समझ रहे हैं, एक साथ बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्म्स आते हैं और क्या करते हैं, कार्टल फॉर्म करते हैं कीमत को नियंत्रित करने के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि कार्टल जो है हमारे देश में हो सकता है कि कानून या फिर लीगल हो, बहुत सारे देशों में कार्टल को इलीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर का कुछ हद तक हनन भी करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म करते हैं कार्टल टू कंट्रोल प्राइसेस एंड प्रोडक्शन लेवल, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, और इससे कॉम्पिटिशन क्या हो जाता है मार्केट में, कम हो जाता है, और यही कारण है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है कस्टमर का बढ़ जाता है, और यही कारण है कि कितने देशों में कार्टल जो है उसे इलीगल माना जाता है। हाउएवर मेंटेनिंग कोल्यूजन इज चैलेंजिंग एज फॉर्म हैव इनिशिएटिव टू टीच, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि
अगर कॉल्यूजन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है फर्म के चीटिंग का, एंड इससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज करने का चांसेस बढ़ जाता है। प्राइस रिजिडिटी होता क्या है कि जो ओलिगोपॉली मार्केट है ये प्राइस रिजिडिटी एग्जिबिट कर सकता है, जहाँ की कीमत रिलेटिवली स्टेबल होता है, जहाँ की कीमत जो है कुछ समय तक स्थिर रहता है इवन इन द फेस ऑफ चेंजेस इन डिमांड और कॉस्ट। अगर डिमांड या फिर कॉस्ट में चेंजेस आता है तभी ये जो कीमत है वो जस का तस दस का दस बना रहता है। फर्म्स आर हेजिटेंट टू इनिशिएट प्राइस चेंजेस ड्यू टू पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। एक्चुअली फर्म इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि कब कॉम्पिटिटर अपने प्राइस में चेंज लाएगा और मैं भी अपने प्राइस में चेंज लाऊंगा। जरूरी नहीं कि ये प्राइस में चेंज वो बढ़ाकर ही लाए, घटाकर भी ला सकता है, लेकिन वेट करता है अपने कॉम्पिटिटर्स का। और यही कारण है कि कुछ ज़्यादा समय तक इस इंडस्ट्री में जो फर्म्स का जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो स्थिर रहता है। गेम थ्योरी, ओलिगोपोलिस्टिक बिहेवियर जो है ये हम लोग एनालाइज करते हैं गेम थ्योरी के थ्रू। अब गेम थ्योरी क्या होता है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन को क्या करता है, मॉडल करता है। गेम थ्योरी मदद करता है प्रेडिक्ट करने में कि कैसे फर्म्स एक दूसरे के डिसीजन को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, एक दूसरे के निर्णय को रिस्पॉन्ड करेगा, एक दूसरे के एक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज बेसिकली योर गेम थ्योरी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपॉली मार्केट। अब इसमें कीमत कैसे तय होता है ओलिगोपॉली मार्केट में, तो पहला है इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपॉली में जो फर्म्स हैं वो हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। मतलब ये है कि एक फर्म का जो निर्णय है वो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से दूसरे फर्म के निर्णय को या दूसरे फर्म के डिसीजन को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब भी कोई फर्म कंसीडर करता है अपने प्राइस को चेंज करने के लिए तो इसे एंटिसिपेट करना चाहिए कि कैसे कॉम्पिटिटर इसका रिस्पॉन्ड करेगा। प्राइस लीडरशिप, कभी कभी कुछ डोमिनेंट फर्म ओलिगोपॉली में जिनको कि प्राइस लीडर कहा जाता है वो कीमत तय करते हैं पूरे इंडस्ट्री के लिए। अदर फर्म्स देन फॉलो दिस प्राइस, और उसके बाद जो अन्य संस्थाएं हैं इस कीमत को फॉलो करती हैं, एडजस्टिंग देयर ऑन प्राइस अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार अपनी कीमत को क्या करते हैं, एडजस्ट करती हैं। द प्राइस लीडर्स एक्शन कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे जो प्राइस लीडर का जो एक्शन है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से मार्केट के प्राइस को या बाजार कीमत को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और उनको स्टेबलाइज करने में मदद कर रहा है। कॉल्यूजन एंड कार्टल, कुछ केसेस में ओलिगोपोलिस्टिक फर्म ये कॉल्यूड हो सकती हैं कलेक्टिवली और सेट कर सकती हैं प्राइसेस और प्रोडक्शन लेवल। इससे क्या हो सकता है, कार्टल आ सकता है जहाँ की फर्म कोऑपरेट करती है अपने ज्वाइंट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और इससे कंपटीशन भी कम हो जाता है। लेकिन कार्टल अपने आप में चैलेंजिंग होता है। कारण क्या है, कारण ये है कि इसमें चांसेस जो हैं चीटिंग के बढ़ जाते हैं बाय द फर्म्स, और इससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। नॉन प्राइस कंपटीशन, ओलिगोपोलिस्टिक फर्म या ओलिगोपॉली फर्म जो होता है ये ऑफन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में एंगेज रहते हैं। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन कहने का मतलब है कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सर्विस, इसमें एंगेज रहते हैं। इससे या ये चीज़ जो है उनको अलाउ करता है टू कम्पीट विदाउट रिस्टोरिंग टू डायरेक्ट प्राइस चेंज। मतलब कि इससे वो कंपटीशन प्राइस चेंजेस के थ्रू नहीं करते हैं, प्राइस चेंजेस के बिना करते हैं, जो कि ट्रिगर कर सकता है एग्रेसिव रिएक्शन कॉम्पिटिटर से। प्राइस रिजिडिटी, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट प्राइस रिजिडिटी एग्जिबिट कर सकता है जहाँ की कीमत जो है वो कुछ समय तक, ज़्यादा ही समय तक स्थिर रहता है। क्यों, क्योंकि वो वेट करते रहते हैं कि कब अगला फर्म क्या करेगा, एक्शन लेगा और हम उसके अपोज में एक्शन लेंगे। गेम थ्योरी कॉमनली यूज़ किया जाता है स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, किसके बीच में, फर्म्स के बीच में, इन ओलिगोपॉली। ये मदद करता है फर्म्स की प्रेडिक्ट करने में कि कैसे कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स करेगा अलग अलग प्राइस डिसीजन के रिस्पॉन्स में, और इनेबल करेगा उनको स्ट्रेटजी उसके अनुसार बनाने में। अब याद रखिएगा कि जो ओलिगोपॉली है इसका जो डिमांड कर्व है वो किंक्ड डिमांड कर्व होता है। कैसा होता है, किंक्ड डिमांड कर्व। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का कैसा होता है, आपको पता है, सिंपल डिमांड कर्व होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप सेल को तभी बढ़ा सकते हो जब आप कीमत कम करोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं। तो इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड डिमांड कर्व होता है। कह रहा है कि जो किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल है ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है प्राइस रिजिडिटी का।
यानी कि प्राइस के ना चेंज होने का। ये सजेस्ट करता है कि फर्म एज्यूम देयर कॉम्पिटिटर विल मैच प्राइस कट्स बट नॉट प्राइस इंक्रीजेज। कह रहा है, ये सजेस्ट करता है कि फर्म जो है वो एज्यूम करते हैं कि जो उनकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके जो प्रतिस्पर्धाएँ हैं, वो उनके उनके प्राइस के कट्स को मैच करेंगे लेकिन प्राइस बढ़ाएंगे नहीं। बट नॉट प्राइस इंक्रीजेज, उनके प्राइस इंक्रीजेज को नहीं मैच करेंगे बट उनके प्राइस कट्स को जरूर मैच करेंगे, यानी कीमत कम करने को जरूर मैच करेंगे, कीमत बढ़ाने को मैच नहीं करेंगे। ये होता है आपका बेसिकली किंग डिमांड कर्व। दिस रिजल्ट इन किंग, इसके वजह से किंग आता है डिमांड कर्व में, जिससे कि फर्म रेलुक्टेंट हो जाता है, फर्म इच्छुक हो जाता है प्राइस को चेंज करने के लिए। अनसर्टिनिटी एंड रिस्क, ऑलिगोपॉली फर्म जो होता है ये आमतौर पर अनसर्टिनिटी फेस करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के एक्शन को लेकर और मार्केट कंडीशन को लेकर। ये अनसर्टिनिटी अफेक्ट कर सकता है उनके प्राइसिंग डिसीजन को एंड उनके विलिंगनेस को टू चेंज प्राइसेस। लास्ट है आपका इसका प्राइस डिटरमिनेशन का पॉइंट, दैट इज योर बैरियर्स टू एंट्री। अब ये बैरियर्स टू एंट्री क्या होता है? बैरियर्स टू एंट्री ऑलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में क्या कर सकता है? नए कॉम्पिटिटर्स के एंट्री को, उनके आगमन को सीमित कर सकता है। ये अलाउ करता है एग्जिस्टिंग फर्म को कि वो अधिक कीमत क्या करें, मेंटेन करें एंड इंटेंस प्राइस कंपटीशन अवॉइड करें। अब है कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। कोल्यूसिव ओलिगोपॉली के बारे में कुछ टाइम पहले ही मैंने अभी डिस्कस किया था, एक बार और अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ कि कोल्यूसिव ओलिगोपॉली होता क्या है, क्योंकि आपका ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है। कोल्यूसिव ओलिगोपॉली आपको पता ही है, जहाँ की स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स जो होते हैं ओलिगोपॉली में, ओलिगोपॉली मार्केट में एंगेज होते हैं कॉपरेटिव बिहेवियर में टू रेस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। कॉपरेटिव बिहेवियर में एंगेज होते हैं किसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? कॉम्पिटिशन को रोकने के लिए, प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए और अपने कलेक्टिव प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें तो कोल्यूसिव ओलिगोपॉली में फर्म जो हैं एक साथ काम करते हैं रादर देन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन करने के बजाय एक साथ काम करते हैं। और दो मेन फॉर्म्स होते हैं कोल्यूसिव के, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट कोल्यूजन और एक होता है आपका टैकेट कोल्यूजन। अब ये एक्सप्लिसिट कोल्यूजन क्या होता है? एक्सप्लिसिट कोल्यूजन में क्या होता है कि जो फर्म्स है ये खुले तरीके से कॉपरेट करता है एक दूसरे को और स्पेसिफिक टर्म प्राइसिंग का तय करता है। दिस कैन इन्वॉल्व फॉर्मल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपका फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सप्लिसिट कोल्यूजन जो है इससे आमतौर से क्या आता है? कार्टल होता है। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा कोल्यूजन है जिसकी वजह से कार्टल का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है आपका एक्सप्लिसिट कोल्यूजन। कार्टल आमतौर पर इलीगल होता है बहुत सारे देशों में, क्योंकि इसके वजह से चांसेस जो हैं चीटिंग के बढ़ जाते हैं और चीटिंग करने से क्या होगा, फर्म्स का प्रॉफिट बढ़ेगा। अगला है टैकेट कोल्यूजन। ये क्या होता है? इसको हम लोग इम्प्लिसिट कोल्यूजन भी कहते हैं, यानी कि इसमें फॉर्मल एग्रीमेंट वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होगा बट एक इशारा होगा। इस तरह का जो कोल्यूजन होता है ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पर रिलाई करता है एंड म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन पर रिलाई करता है। जो भी फॉर्म्स टैकेट कोल्यूजन में होते हैं वो आमतौर पर फॉलो कर सकते हैं प्राइस लीडरशिप, मैच प्राइस चेंजेस ऑफ कॉम्पिटिटर, प्राइस चेंजेस में कॉम्पिटिटर को मैच कर सकते हैं और मेंटेन स्टेबल प्राइसेस, और स्टेबल प्राइसेस मेंटेन कर सकते हैं इस वजह से, जिससे कि जो आपका एग्रेसिव रिएक्शन है वो ट्रिगर कर पाते हैं, ट्रिगरिंग एग्रेसिव रिएक्शन को अवॉइड कर पाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक, दैट इज़ योर ड्यूओपॉली। ये ड्यूओपॉली क्या होता है? ड्यूओपॉली में जैसे कि नाम से पता चल रहा है ड्यूओ दिया है, मीन्स दो फॉर्म्स होंगी। तो ड्यूओपॉली मार्केट में दो डोमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, दो ही फॉर्म्स होती हैं बट डोमिनेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि मार्केट शेयर के मेजॉरिटी को कंट्रोल करती हैं। दिस फॉर्म्स आर द प्राइमरी प्लेयर। ये जो फॉर्म्स होती हैं ये आमतौर पर प्राइमरी प्लेयर्स होती हैं एंड टाइपिकली इनके पास एक सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस होता है कीमत के ऊपर, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर। इंटरडिपेंडेंस, लाइक इन अदर फॉर्म्स ऑफ ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली के अदर फॉर्म्स की तरह जो एक्शन होता है एक फॉर्म का ड्यूओपॉली में डायरेक्टली अफेक्ट करता है दूसरे फॉर्म के एक्शन को। ईच फॉर्म मस्ट कंसीडर हाउ इट्स डिसीजन विल बी परसीव्ड। हर एक फॉर्म को कंसीडर करना चाहिए कि कैसे उसके डिसीजन परसीव होंगे। और एक बात और दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपके हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल ड्यूओपॉली का कौन सा ब्रांड है जिसमें कि केवल दो ही फॉर्म्स हैं, ठीक है, केवल दो ही फॉर्म्स हैं, आपको उस फॉर्म का नाम बताना है, ठीक है, जो इस ड्यूओपॉली एग्जाम्पल को सूट करता है। एंड रिस्पॉन्डेड टू बाई इट्स कॉम्पिटिटर। अगला है स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। जो भी फॉर्म्स ड्यूओपॉली में होती हैं या ड्यूओपॉली में होती हैं
ये आपका बेसिकली एंगेज होती हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़े, वाइल एंटिसिपेटिंग हाउ देयर एक्शन विल अफेक्ट देयर राइवल चॉइसेस। गेम थ्योरी ऑफन यूज टू एनालाइज दिस स्ट्रेटेजिक रिएक्शन। गेम थ्योरी का आमतौर पर यूज़ किया जाता है इन स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शंस को एनालाइज करने के लिए। प्राइस एंड आउटपुट कॉम्पिटिशन। ड्यूपोली फर्म कैन कॉम्पीट इन टर्म्स ऑफ बोथ प्राइस एंड आउटपुट। ड्यूपोली फर्म्स दोनों के टर्म्स में कॉम्पीट कर सकता है, कीमत के भी टर्म्स में और आउटपुट के भी टर्म्स में। दे में एंगेज इन प्राइस वॉर। हो सकता है ये प्राइस वॉर में एंगेज हों और अटेम्प्ट टू और प्रयास करें अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने में, जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हों और आएँ। कॉल्यूजन एंड कॉपरेशन। ड्यूपोली फर्म्स जो है ये आमतौर पर चूज करते हैं टू कोलाइड एंड कॉपरेट टू लिमिट कॉम्पिटिशन। आमतौर पर एक साथ आते हैं और कॉम्पिटिशन को लिमिट करते हैं, कॉपरेट करते हैं जिससे कि कॉम्पिटिशन कम हो, एंड जॉइंटली और मिलकर प्रॉफिट बनाते हैं। हावेवर कॉल्यूजन मेंटेन करना ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पटेशन होता है चीटिंग का वो बढ़ जाता है, एंड परस्यू इंडिविजुअल गेंस और किसी का फ़ायदा हो जाता है। प्राइस लीडरशिप। कुछ केसेस में एक फर्म जो है वो एमर्ज होता है प्राइस लीडर के रूप में और वो कीमत तय करता है पूरे उस इंडस्ट्री के लिए, और जो अदर फर्म है उस कीमत को फॉलो करता है, जिस जो कि हेल्प कर सकता है मार्केट को स्टेबलाइज करने में। तो ये आपका क्या था, ड्यूपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्यूपोली के बारे में कुछ बातें। सो होप ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एंड होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज़ योर इम्परफेक्ट मार्केट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बात और दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि कोई अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए बने रहिए सर्वे के साथ, रेगेस्ट नॉलेज राइडर एंड सब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वे टीम की तरफ से धन्यवाद।